वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम जी, सब कैसे हैं? मेरी प्यारी फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज है मेरी, तो जी आज मेरी है वेडिंग एनिवर्सरी, और ये मैंने सूट बनवाया है अपनी एनिवर्सरी के लिए। और ये मैंने लिया था, मैंने आपसे शेयर किया था, मैं गई थी शॉपिंग पर अभी। तो ये देखिए मैंने कैसे स्टिच करवाया है, और ये डिज़ाइन रखवाई है मैंने, और ये ख़ास मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए बनवाया है। और जी माशाल्लाह से ये मेरी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है। और कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, हंसते मुस्कुराते। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि हमेशा हमारा साथ कायम रहे, आमीन। और आप भी सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जी आज 14 फेब है, और हमारी शादी को हो गए हैं 6 साल कंप्लीट, तो इसलिए मैंने छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है। तो मैंने सोचा अपनी प्यारी फैमिली के साथ भी शेयर करूं। और ये मैं आपको दिखा रही हूं कि इस ड्रेस पे मैं कौन कौन सी ज्वेलरी जो है वो पहनूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा जी, शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। तो जी मैंने आपको बताया था कि ना मैं हमेशा अपनी एनिवर्सरी पे ब्राइट कलर पहनती हूँ, तो इस दफ़ा मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि प्लीज़ लाइट कलर पहनना क्योंकि तुम चेंज लगो इसलिए। तो मैंने ये हाफ वाइट वाला जो है ये वाला सूट बनवा लिया, और ये है मेरे हस्बैंड का सूट। तो जी यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, मैं और मेरी सिस्टर लगे हुए हैं। सब ने बोला था बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेंगे, मैंने सोचा नहीं इस बार मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ कुछ अच्छा सा। और ये देखें यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ, और इनकी फुल रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे सकूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं ये तो ड्रम स्टिक की जो रेसिपी फुल है वो इस दफ़ा मैं नहीं दे सकूँगी, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने क्या क्या बनाया था, और मैं पूरा दिन मैंने क्या किया। और अदील की जो तबीयत थी वो भी कुछ ठीक नहीं थी, उसको फीवर हो रहा है बहुत, तो उसमें भी मैं लगी हुई थी, फिर बीच में ये खाना भी देख रही थी। तो बस आज पूरा दिन पता नहीं कैसा गुजरा। तो लेकिन जो आज का दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद तैयारियाँ करूँ पूरी। तो आज के दिन मतलब यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं कि इस दिन हाँ मेरी शादी हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे साथ भी शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मीठे की तैयारियाँ कर रही हूँ, ये देखें। और मैं बनाऊँगी शाही टुकड़े, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, और उसकी रेसिपी जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दी है तो आप देखें। ये
तो यहाँ पे सिस्टर बना रही हैं, ये शाही टुकड़े बना रही हैं, और ये देखें मतलब खीर अलग बना था, और जो इसका खोया होता है वो वाला मिक्सचर अलग से बना था, और जो ये ब्रेड थी उसको हमने फ्राई कर दिया था, और ये इसकी लगा रहे हैं हम अब तेल लगा रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टर बना रही हैं, और ये देखें इसकी फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही अच्छा बना था और खाने में भी बहुत अच्छा मतलब हुआ था। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी ज़रूर। तो हम बस घर वाले ही थे तो उनके लिए इतना काफ़ी था, तो हमने आज ये ड्रम स्टिक्स बनाई थी, और ये शाही टुकड़े बनाए थे, और मैंने बनाई थी चिकन हांडी बनाई थी मैंने, तो इतना काफ़ी था। था तो इरादा मेरा बहुत कुछ बनाने का, लेकिन दिल का जो फीवर था ना उसके लिए परेशान हो गई थी मैं बाद में, क्योंकि उससे मतलब खांसी भी हो रही थी ज़्यादा, तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। तो ये मेरी सिस्टर यहाँ पे फ्राई कर रही हैं, उसने आधे से ज़्यादा उसने काम कर लिया था जब तक मैं आई थी। तो यहाँ पे देखे इसने ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ बनाया था, ये चकुंदर जो होता है उससे इसने लिखा था ये हैप्पी एनिवर्सरी, और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा है उससे। मतलब वैसे काटना वगैरह ये नहीं आता सलाद, लेकिन मेरे लिए वीडियो देख देख कर उसने ये किया पूरा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब तक हम आए थे तो उसने ये सारी टेबल को डेकोरेट कर लिया था, और ये देखे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना बना था, बहुत ही टेस्टी। और ये केक भी आ गया है मेरा, और अब हम करेंगे केक को कट। डॉक्टर से आते हुए बहुत ही लेट हो गया था, लाइट भी चली गई थी, इसलिए ये देखें यहाँ पे लाइट भी बहुत ही कम लग रही है। तो यहाँ पे मैं पहले अदील को खिला रही थी केक कट करके, लेकिन अदील को खांसी इतनी हो रही थी उसने नहीं खाया, और यहाँ पे भी देखें कैसा उसने। हैप्पी बर्थडे अदील, हैप्पी बर्थडे मुंजी जान, हैप्पी बर्थडे अदिल मुंजी जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। अदिल तां के खाराईंदा आहियो? अदिल पहिरें पाण खे खाराईंदा आहियो न? खाओ खाओ खाओ, खाई ॾेखारियो, केक खाई ॾेखारियो, जल्दी जल्दी जल्दी। हा हा खाओ खाओ खाओ। और जी यहाँ पे हमारी हो रही है फिर से रिंग सेरेमनी हो रही है, तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे रिंग, तो वो मुझे पहना रहे हैं, और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि बस अदील की टेंशन में जो था मुझे कुछ याद ही नहीं रहा बाद में। और ये देखे उन्होंने पता नहीं कब ये रिंग ले ली थी, तो उन्होंने मुझे पहनाई, मुझे बहुत खुशी हुई। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कीजिएगा, और हमारे लिए दुआएं भी कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तो जी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। तो अल्लाह हाफिज़।